लॉकडाउन के चलते जहां फैक्ट्री मालिकों द्वारा ताले लगाने और मजदूरों को बाहर निकालने की बातें पूरे देश भर से सामने आ रही हैं, वहीं जालोर जिला ग्रेनाइट एसोसिएशन ने एक अनूठा प्रयास किया है। ग्रेनाइट एसोसिएशन ने मजदूरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो इसके लिए उनके खाने और अन्य सामान की व्यवस्था की है। ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ धानपुर ने बताया कि ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा मजदूरों के लिए खाने के सामान की व्यवस्था की गई है। आटा, तेल और सब्जी, आलू प्याज जैसी व्यवस्था की गई है और ग्रेनाइट एसोसिएशन अपने लेबर्स को यह सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिसे भी यह सामग्री चाहिए वह ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन आकर यह सामग्री ले जा सकता है। फैक्ट्री मालिक की ओर से फोन किया जाएगा और यह सुविधा चालू हो गई है। लाल सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में कोरोना के चलते जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या जो स्थिति है उसमें ग्रेनाइट एसोसिएशन हर संभव प्रयासों में जिला प्रशासन, सरकार और पूरे जिले के साथ है। जूम न्यूज के लिए जालोर से डूंगर सिंह मंडलावत की रिपोर्ट।